इस क्षेत्र की, इस इलाके की राजनीति को आप अच्छी तरह जानते हो और इस बात को भी आप जानते हो कि ये चुनाव सरकार बनने के बाद हो रहे हैं। राजस्थान में 5 साल तक भाजपा की सरकार रही, उस सरकार को भी जनता ने बनाया था, बहुत भारी बहुमत मिला था भाजपा को, लेकिन 5 साल तक लगातार भाजपा की सरकार ने जनता के साथ विश्वासघात किया, झूठे वादे दिल्ली से लेकर जयपुर तक भाजपा के नेताओं ने दिए। जब समय आया तो राजस्थान के लोगों ने कांग्रेस पार्टी को पूरा आशीर्वाद देकर आज आपके सहयोग से इस राजस्थान प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है। मैं सबसे पहले पूरे जिले के लोगों को, राजस्थान के लोगों को इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आप लोगों ने यहां पर बनाई है। और आज जब सरकार हमारी बन चुकी है, आप सब लोग समझदार हो, भाजपा हो या कोई और दल हो, किस बात का वो संघर्ष कर रहे हैं? धर्म और जाति के नाम पर वोट लेकर विधानसभा की सीट जीतकर किस प्रकार का विकास आपके यहां पे कर सकते हैं? जो लोग आज चुनाव लड़ रहे हैं उनका क्या योगदान रहा है रामगढ़ के लोगों के प्रति? किस किस के काम हुए हैं, किस किस का विकास हुआ है, ये सवाल जनता को पूछना चाहिए। 28 तारीख को मतदान होगा, बहुत सोच समझकर हमको अपने मत का सदुपयोग करना है। आज छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो, तीनों राज्यों में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इन तीनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी है। पूरे देश में बदलाव का माहौल है। भाजपा के नेता जो बड़े लंबे लंबे भाषण दिया करते थे, उनके चेहरे देखो आज का लाभ, हवाइयां उड़ी हुई हैं। 2019 के लोकसभा के चुनाव 2 महीने के बाद होने जा रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि 5 साल तक झूठे वादे कर यहां तक गाड़ी खींच ली, लेकिन जनता द्वारा परीक्षा लेने जा रही है। क्या जवाब जनता को देंगे, नौजवानों को देंगे, किसानों को देंगे? हर वर्ग को शोषित करने का काम किया और विशेष रूप से अलवर जिले के लोगों को बदनाम करने की साजिश भाजपा ने करी है। मंदिर मस्जिद के नाम पर, गाय के नाम पर, पूरे हिंदुस्तान में अलवर से कोशिश करी गई कि कैसे यहां पर माहौल खराब किया जाए। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं चारों धर्म के हमारे लोग, 36 कौम के लोगों ने बिना परवाह करे वही किया जो सही था और हाथ के पंजे पर कांग्रेस पार्टी को वोट देकर आप लोगों ने जिताया। अभी जुबेर साहब भाषण दे रहे थे, 3 दशक से आपके बीच में काम कर रहे हैं, मैं भी बहुत लंबे समय से देख रहा हूं, लेकिन एक बात मुझे कहनी पड़ेगी कि इन 25-30 सालों में जुबेर साहब वैसे के वैसे ही हैं, कोई बदलाव नहीं आया, बुढ़ापा दूर दूर तक नहीं छुआ आपको। और आपको ये बोलना चाहिए कि दुर्भाग्य से नहीं, सौभाग्य से मेरी घरवाली को टिकट मिला है। कांग्रेस पार्टी ने जो टिकट दिया है, वो साफिया जी ने जो काम यहां पर किया प्रमुख के रूप में, आपने जो सहयोग इनका किया जिला प्रमुख बनने के बाद, जनता के जो काम कराए, महिला और नौजवानों की जो उम्मीद कांग्रेस पार्टी से थी, राहुल गांधी जी ने टिकट दिया है, आप जनता के भरोसे मत दिया है। आप लोग समझदार लोग हो, जिस पार्टी की सरकार बनी है, हम लोगों ने सरकार बनने के तुरंत बाद राहुल गांधी जी ने जो वादा किया था कि किसान का ऋण माफ करेंगे, 10 दिन का समय मांगा था, हमारी सरकारों ने तीनों राज्यों में 48 घंटे में वादा पूरा किया और किसानों को मदद करने का काम हम लोगों ने किया है। नौजवानों के लिए हमने वादा किया था आर्थिक सहयोग करने का, हमारे मैनिफेस्टो को हम लोगों ने तुरंत प्रभाव से लागू किया है। और ना सिर्फ रामगढ़ अलवर लेकिन पूरे राजस्थान के लोगों को जो एक एक वादा कांग्रेस पार्टी ने किया, वो तमाम वादे पूरे करेंगे, ये मैं पुनः इस मन से कहना चाहता हूं। चाहे बिजली हो, चाहे सड़क हो, चाहे पानी हो, इस क्षेत्र के नुमाइंदों ने पिछले वर्षों में काम नहीं किया, वो तो झगड़ा कराना हो, फसाद कराना हो, अखबार में फोटो छपवानी हो, अनाप शनाप भाषण देने हो, तो आपके विधायक महोदय नंबर 1 रहते थे। लेकिन गांव, सड़क, गरीब, नौजवान, इसकी सेवा कैसे हो, विकास कैसे हो, इस पर कभी ध्यान केंद्रित नहीं किया। आज समय आ गया है ये जाति धर्म से ऊपर उठकर जिस पार्टी ने इस क्षेत्र में विकास किया है और विकास करा कर दिखाएंगे, उस पार्टी की सरकार बन चुकी है। आप सब लोगों से निवेदन करने के लिए आया हूं
कि 36 कौम के लोग साफिया जी को, कांग्रेस पार्टी को हाथ के निशान पर बटन दबाकर यहां से जिताकर भेजे। आप जयपुर जिताकर भेजो और हमारी पार्टी की जो सरकार बनी है 10 गुना ताकत लगाकर आपके क्षेत्र में विकास कर दिखाएंगे, मैं आपको वादा करता हूं।